धामपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के संयोजन में वार्षिक उत्सव एन्व कैलेंडर विमोचन का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने एन्व सामाजिक हित में कार्य करने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप चौक के निकट स्थित एक विवाह मंडप में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अशोक राणा ने नवीन कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 90 में जब वह स्योहारा से विधायक थे उस समय अयोध्या में ढांचा गिराया गया था। 500 वर्ष की लड़ाई का परिणाम अब सबके सामने आने जा रहा है। 2024 में वह चौथी बार विधायक बने हैं तो भगवान राम का मंदिर बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। क्षत्रिय वंश में महाराणा प्रताप जैसे लोग हुए, इतिहास लिखने वाले ने अकबर को तो ग्रेट बना दिया, मगर घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए, उनका इतिहास में बहुत छोटा सा उदाहरण लिखा है। इसलिए उन्होंने इस मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया। सम्मेलन में उन्होंने महाराणा प्रताप के वंशजों को बुलाकर सम्मान दिलाने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र बाबी ने भी क्षत्रिय समाज की उपलब्धियों को गिनाकर एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इससे पहले रोमियो डांस इंडिया डांस ग्रुप एवं दुर्गा पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की जमकर सराहना की गई। इससे पहले अतिथियों के द्वारा भगवान श्री राम के चित्र वाले कैलेंडर का विमोचन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं मंचा सिंह सभी अतिथियों का और सामने बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों का, साथियों का, मातृशक्ति का श्री चरणों में नमस्कार निवेदन आग्रह करते हुए बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपनी नई जो कार्यकारिणी बनी है कि आपको कोशिश ये करनी है कि इसको और मजबूत हम कैसे बनाएं। और मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा आज मुझे ये बात कहते हुए इस मन से इसलिए हिचक नहीं हो रही है क्योंकि सब अपने घर परिवार के लोग हैं। एक जमाना था जब इस जिले को भी जाट बाहुली माना जाता था, ठाकुरों की गिनती नहीं, जब यहां से तीन तीन ठाकुर जीत करके गए, आप लोगों ने जिताया तब ही पता चला कि यहां भी ठाकुर। और ऐसा नहीं है, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, मेरठ हो, सब जगह ठाकुर अमरपाल सिंह रह चुके हैं पहले एमपी हुए थे। मेरा एक निवेदन है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन जिसमें हम सब लोग मिलकर के, मतलब ये नहीं कि आपकी कार्यकारिणी में पूरा भार डाला जाएगा, हम सब लोग जो हमसे बन पड़ेगा सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। पर यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए तो भाई 22 जनवरी में सबको मालूम ही है कि वो अपना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, आदरणीय मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं। और मैं समझता हूं जनवरी जनवरी तो भैया वहां जाके दर्शन करने का मौका है, करोड़ों की संख्या में लोग। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी क्षत्रिय वंश में महाराणा प्रताप जैसे लोग भी हुए, जहां इतिहास लिखने वाले ने या जिन्होंने लिखवाया वो अकबर द ग्रेट को हो गए, अकबर महान हो गए, पर महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खा खा करके युद्ध लड़ने का काम किया और शहीद हो गए, उनका इतिहास में बहुत छोटा था। तो मैं इस मंच के माध्यम से एक निवेदन ये कर रहा हूं, दीपेंद्र जी आप भी हैं, सब आपके कार्यकारिणी के लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अगर दीपेंद्र जी या उनकी कार्यकारिणी आज कार्यभार थाम रही है तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। हम पे पद रहे ना रहे पर समाज के हम जुड़े हुए हैं, हमें सबको ये लगना चाहिए कि हम भी दीपेंद्र जी की तरह काम करें
और ये बहुत अच्छा क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन जनवरी के बाद जब ठंड भी कुछ कम हो जाएगी तो होना चाहिए। और उसमें आप कहेंगे तो महाराणा प्रताप जी के जो बच्चे इस समय हैं उनको बुला करके उनका सम्मान करें। इस वजह से बस मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए, और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा अपने बीच में बुला करके इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय साथ चलते हैं वो भी उनका मान सम्मान करते रहे और उनके साथ बैठकर समय व्यतीत करें, तो सब एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी कार्यक्रम आसानी से अपना गोल्ड मणिपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। उनका मान सम्मान करते रहे और उनके साथ बैठकर समय व्यतीत करें, तो सब एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी कार्यक्रम आसानी से सफल हो जाता है और कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं। हम सब लोग आज इतनी ठंड में यहाँ एकत्रित हुए हैं कार्यक्रम में, तो मेरा कहना यह है कोई भी संस्था हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को महामंत्री बना दिया जाता है, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव, किसी को कोषाध्यक्ष, लेकिन ये सब चीज अदलती बदलती रहती है। तो व्यवस्था में जिम्मेदारी किसे मिली है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिसे जिम्मेदारी मिली है वो सबके साथ उसका सामंजस्य होना चाहिए और